अशोक गहलोत जी का लव जिहाद पर आज का बयान उनकी वोट बैंक की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस की देश भर में हो रही दुर्दशा से वो इतना विचलित हो जाएंगे ये विश्वास नहीं होता। सब जानते हैं कि सनातन भारत की परंपरा में विवाह एक धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्कार है। ये केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है ये बेबुनियाद है। किस तरीके से इस्लामिक आतंकवाद के एजेंडे में लव जिहाद का शिकार होकर हमारी अबोध बच्चियां इस देश में उत्पीड़न का शिकार होती हैं ये जगजाहिर है, सबके सामने है। ऐसी परिस्थितियों में उनका ये बयान निश्चित रूप से एक ओछी मानसिकता का परिचायक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलग अलग इलाहाबाद का भी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का भी आया, राजस्थान हाई कोर्ट के भी आए, बहुत सारे जो मेरे मिलने वाले लोग हैं, कईयों ने जो मुस्लिम लड़की ने भी हमारे साथ के लड़कों से जो अपने स्वजातीय नहीं होने के बाद भी स्वेच्छा से शादी की, कोर्ट में बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं एक लड़की मुस्लिम थी उसने मीना से शादी की कि मैं मेरी स्वैच्छिक इच्छा से कर सकता हूँ, तो क्या उस बालिक को आप रोक सकते हो? क्या कोई दूसरी कर सकती लड़की अगर मुस्लिम से शादी कर रही है तो ये कब तक किसको रोकेंगे? ये न्यायालय के विचाराधीन, सम्मानीय न्यायालय तय करता है। क्या भाजपा न्यायालय से बड़ी है क्या? इनको खुद को सोचना चाहिए। ये सोचने से पहले कानून बनाना सिर्फ इनको एक एजेंडा खड़ा करना है, इनको एक पॉपुलरिटी लेनी है, सिर्फ एक आम इंसान में द्वेषता कैसे फैले, इंसानियत कैसे खत्म हो, ये काम भाजपा का है। बाकी न्यायालय का काम न्याय करना है, कौन बालिक नाबालिक शादी गलत और सही का तथ्य तो न्यायालय पेश करे। जब सम्माननीय न्यायालय में इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो न्यायालय उचित फैसला करता है, जो न्यायालय का फैसला था उसका सम्मान करना चाहिए। ऑलरेडी कानून बना हुआ है, ये कानून से बड़े हैं तो फिर भाजपा वाले को तय करना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।